वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं मशरूम मसाला कैसे बनाते हैं उसका प्रॉपर रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता और हरा मिर्च काट के रख लिया है। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्याज चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा प्याज मैंने काटा है। और 2 पैकेट मशरूम है मेरे पास और ये दही मंगा के रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारे मशरूम को धो लिया और ऐसे जो बड़े बड़े थे उनको 2-3 पार्ट में काटा और जो छोटे थे उनको बस 2 ही पार्ट में, मतलब हाथ बीच से हाफ ऑफ किया। तो ऐसे ही मैंने सारे मशरूम को कट कर लिया और उसके बाद एक बार पहले धोया था एकदम अच्छे से, फिर दोबारा फिर काट के मैं फिर एक बार और धो रही हूँ। तो मशरूम को एकदम अच्छे से धो लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं धो धो के मैं अलग इसको रख दे रही हूँ ताकि इसमें से पानी एकदम अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, तो उसमें तेल डाला। और आप अगर आपको मन करे तो आप फ्राई करें, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे मन किया तो मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया। तो जैसे ही मेरा तेल गर्म हुआ उसमें मैंने मशरूम को डाल दिया और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ इसमें, मतलब कि बहुत कम तेल में ही ये फ्राई हो जाता है। फिर भी मैंने डाला हुआ था तो इसमें से बच ही गया। तो अब इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जीरा, 2 तेज़पत्ता और 1 इलायची डाला मैं, और उसके बाद से प्याज डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि प्याज मैं अच्छे से भून रही हूँ। ये जब तक प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो नहीं जाता तब तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। और ये रेसिपी आप ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये इसमें मैं कुछ अलग ट्राई करने वाली हूँ। इसमें मैं मैगी मसाला से बनाने वाली हूँ, तो आप मतलब कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट मिला दिया। प्याज मेरा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट मिलाया, फिर नमक मिला दिया था और उसको अच्छे से चला रही थी। और तब मैंने टमाटर को रफली कट करके रखा था ऐसे ही, तो वो मिला दिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं पहले टमाटर, प्याज, ये सब का मतलब मसाला मैं रेडी कर रही हूँ बहुत अच्छे से। तो ये रेसिपी आप ना मतलब कि ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने पहले बना के खुद खाया था, उसके बाद मैं इसका वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मसाला में मैंने हल्दी डाला और धनिया, जीरा मिर्च, और धनिया जीरा मिर्च का जो पाउडर होता है वो, और लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद गरम मसाला पाउडर। थोड़ा देर के बाद मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैंने मसाला को मिलाया। तो कब मतलब कि मेन तो काम मसाला का ही होता है, मसाला आप जितना ही अच्छे से भूनोगे उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं, और फिर उसके बाद जब अच्छे से मेरा मसाला पूरा अच्छे से मैंने भून लिया तो उसके बाद मैं इसमें दही मिला रही हूँ। तो दही डालने से मतलब कि ग्रेवी का टेक्सचर इतना अच्छा हो जाता है और उसके टेस्ट पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही टेस्टी, मतलब कि एकदम टेस्ट चेंज ही हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दही को डाल के और उसको थोड़ा उसको पकने देना चाहिए। तो मैंने दही को डाल के थोड़ा सा ढक दिया था अच्छे से मिला के, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर भी मैं इसको मिला के चला रही हूँ तो दही मेरा एकदम अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये मसाला, बहुत ही टेस्टी हुआ है। जब मसाला अच्छे से पक जाए इसका, ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मसाला के साइड से जब तेल निकल आए तो समझिए ये मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। तो उसके बाद मैंने अभी इसी टाइम मैंने डाला मैगी मसाला, यानी कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अभी डाली हूँ मैगी मसाला, और इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो मैगी मसाला डाल के मैंने एकदम अच्छे से मिला लिया। तो आपको तो पता चल ही रहा होगा, आपको ग्रेवी देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही टेस्टी हुआ है। उसके बाद मैंने जो मशरूम फ्राई करके रखा हुआ था तो वो मिला दिया। एकदम आज का ये मशरूम मेरा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है।
तो आपको भी देख के लग रहा होगा कि सच में बहुत टेस्टी हुआ है, तो आप ज़रूर ट्राई करना एक बार और वीडियो एंड तक देखना, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे मैंने कब क्या यूज़ किया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इसका कलर इतना अच्छा आया है कि गाइस बता नहीं सकते, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं ना खाना बनाना, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैं खुद से कुछ कुछ ट्राई करते रहती हूँ कि ये मिला है तो इसका टेस्ट कैसे हुआ, वो मिला है तो उसका टेस्ट कैसे हुआ, तो इस तरह से। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ग्रेवी के लिए, आपको जैसे रखना है, लेकिन ये नॉर्मल एकदम सूखा नहीं, लेकिन थोड़ा सूखा टाइप ही इसका सब्ज़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद वो हरा मिर्च डाला, धनिया पत्ता और ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारा खाना एकदम रेडी है, मशरूम का सब्जी। ये मशरूम मसाला बहुत ही टेस्टी हुआ है और कचौड़ी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी।